हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सबा, योर इंग्लिश फैकल्टी टू हॉलीवुड। तो इस सेशन में बेसिकली हम लोग मिनी एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं। मिनी एडिटोरियल का मतलब आज के आर्टिकल से रिलेटेड जो भी वोकैब्स होंगे, ग्रामर के यूसेजेस जो होंगे, वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी और आर्टिकल बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में आर्टिकल देखना तो यस बैंकिंग चैनल पे डिटेल सेशन है, वो आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। तो एसएससी में एज यू नो कि बेसिकली ग्रामर पे, वोकैब्स पे, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस होता, तो वी विल बी फोकसिंग देयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट प्लीज, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा, बिकॉज 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरी आर्टिकल भी कवर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा एंड यू विल बी एबल टू लर्न मैक्सिमम वोकैब्स। ओके, सो क्विकली सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के दोनों आर्टिकल से रिलेटेड जो भी वोकैब्स थे, वी विल क्विकली सी दोस वर्ड्स। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा है लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब होता है टेक अ डिस्प्यूट टू अ लॉ कोर्ट, मतलब किसी भी डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाना। ठीक है, कोर्ट में केस फाइल करना किसी भी डिस्प्यूट के अगेंस्ट में, सो दैट इज कॉल्ड लिटिगेट। ओके, कोर्ट में केस फाइल करना किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के, कोर्ट में घसीटना किसी भी केस को, दैट इज कॉल्ड लिटिगेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ओवर जीलस। जील का मतलब, देखिए जेलस अलग चीज होता है, जेलस का मतलब हो गया ईर्ष्या, जीलस का मतलब होता है, जील से बना हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है एंथुसियास्टिक, उत्साह से भरपूर। जब आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर जीलस। ओके, तो जैसे आई एम ओवर जीलस टू टेक दिस सेशन, इस सेशन को लेने के लिए मैं बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हूं। करेक्ट, ये एडजेक्टिव है और लिटिगेट आपका वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज जिस्ट। जिस्ट का हिंदी मतलब होता सार, मतलब किसी भी चीज का जो इसेंस है, कोर। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है निटिग्रिटी। निटिग्रिटी काफी बार एसएससी में पूछा गया है। सो निटिग्रिटी, इसेंस, कोर्ट, हार्ट, कोर, हार्ट, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जिस्ट, जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया, या आप कह सकते हैं बैकबोन ऑफ समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टॉल। ये गोलगप्पे वाला स्टॉल नहीं है, स्टॉल इज अ वर्ब हियर, जिस्ट इज नाउन। स्टॉल एज अ वर्ब, इट मींस टू इम्पीड समथिंग, किसी भी चीज को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा करना। ठीक है, किसी भी चीज में, ठीक है, बाधा उत्पन्न करना। सो टू इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, प्रिवेंट, ये सारे के सारे मतलब हो जाते हैं स्टॉल के, किसी भी चीज को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंट्रिम। इसको हिंदी में अंतरिम कहा जाता है। इंट्रिम बेसिकली वी से प्रोविजनल टेम्परेरी, जैसे अंतरिम सरकार आपने सुना होगा, तो जो कुछ देर के लिए हो, टेम्परेरी बेसिस पे हो, जो परमानेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रिम। ओके, इट इज एन एडजेक्टिव, समथिंग दैट इज टेम्परेरी। ओके, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से मिलते होंगे, तो जिसको कहा जाता है जो कुछ देर के लिए वैलिड हो, ठीक है, कुछ समय के लिए वैलिड हो। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है, जैसे आई एंडोर्स यू, इसका मतलब मैं सपोर्ट करती हूँ आपको। सो एंडोर्स का मतलब हो गया सपोर्ट। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है, दैट इज बट्रेस। बट्रेस का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। वी हैव फ्रेजल वर्ब होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब भी होता है टू सपोर्ट समवन। होल्ड अप की दो मीनिंग निकलती है। फ्रेजल वर्ब्स भी आज के डेट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड अप मतलब टू सपोर्ट, और होल्ड अप का मतलब होता है इम्पीड भी, मतलब आप कह सकते हैं होल्ड अप का मतलब स्टॉल भी हो जाता है, स्टॉल, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, किसी भी चीज में बाधा पैदा करना, सो दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ होल्ड अप। और होल्ड अप का मतलब टू सपोर्ट समवन, एंडोर्स समवन, किसी को भी एंडोर्स करना, सपोर्ट करना। ओके, और अपहोल्ड वर्ड का मतलब भी होता है सिर्फ सपोर्ट। अगर आप किसी को अपहोल्ड कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर ओनली सपोर्टिंग दैट पर्सन। ओके, सो एंडोर्स इज अ वर्ब हियर, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एंथ्रोपोजेनिक। देखिए एंथ्रोप वर्ड आपका रूट है, जो कि एसएससी में काफी पूछा जाता है। एंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है मैनकाइंड। जैसे आपने वर्ड सुना होगा फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, उसी तरह से एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्शन है, जिसकी वजह से आपका नेचर अफेक्टेड हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक, समथिंग दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन नेचर। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कमिश्निंग।
कमिश्निंग बेसिकली वी से ऑथोराइजिंग, ऑर्डरिंग समवन, एम्पावरिंग, मतलब किसी को आप अथॉरिटी दे रहे हैं कुछ काम करने के लिए. तो कमीशन नाउन भी होता है, बट हियर इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. ओके, तो कमीशन आपको पता है, हाई कमीशन वी से, ठीक है. तो कमीशन का मतलब हो गया जिसके पास, जो आपको अथॉरिटी दे सके, पावर दे सके कुछ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कमिश्निंग. ओके, एंथ्रोपोजेनिक इज एन एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बोर्ड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बोर्ड इज ऑल्सो अ वर्ब. बोर्ड का मतलब होता फोर बोर्ड, मतलब प्रिडिक्ट, अनुमान लगाना. ऑगर, इसके लिए काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, दैट इज एनविसाज, प्रिसेज. ऑल दीज आर गुड वर्ड्स फॉर बोर्ड, मतलब किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना, इंडिकेट करना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अंडर वे. अंडर वे मतलब इन प्रोग्रेस, इज समथिंग इज अंडर वे, अंडर वे इज अ नाउन. अगर कोई चीज अंडर वे है, इसका मतलब वो प्रोग्रेस में है. दिस सेशन इज अंडर वे, इसका मतलब ये प्रोग्रेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, शुरू हो चुका हो बट प्रोग्रेस में हो, दैट इज कॉल्ड अंडर वे. ओके, पेरिलस, काफी बार एसएससी में वर्ड पूछा गया है. पेरिलस इज एन एडजेक्टिव. पेरिलस मींस प्रिकेरियस, हजार्डस, डेंजरस, ठीक है. तो जो बहुत खतरनाक होता है उसे पेरिलस कहा जाता है. सो प्रिकेरियस, हजार्डस, डेंजरस, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेरिलस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं खतरनाक. एन रूट, ये एडवर्ब है. एन रूट, सॉरी, इट इज एन एडवर्ब. एन रूट बेसिकली वी कॉल टू ऑन द वे, कोई चीज रास्ते में, जैसे एन रूट मतलब रास्ते में आप किसी से मिल लिया. आई मेट माई फ्रेंड एन रूट, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी जर्नी ऑन माई वे आई मेट माई फ्रेंड. सो कोई भी चीज जो रास्ते में हो, बीच में हो, दैट इज कॉल्ड एन रूट. ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव एफर्ट वी से, दैट इज कलेक्टिव एफर्ट, सबके मिलके, इसको आप इंक्रीजिंग भी कहेंगे. जब आप सबके मिला के एफर्ट देखेंगे तो यस, वो काफी बड़ा हो जाएगा. ओके, तो इसका सिनोनिम आपका इंक्रीजिंग और स्नोबॉलिंग भी हो जाता है. इट इज एन एडजेक्टिव, क्यूमुलेटिव. ये क्या है? एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पैट. स्पैट नाउन होता है. स्पैट का मतलब होता क्वारल ओवर ट्रिवियल थिंग्स, ठीक है, किसी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना. सो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ट्रिवियल थिंग्स, इनसिग्निफिकेंट थिंग, छोटी छोटी तुच्छ बातों पे झगड़ा करना, दैट इज कॉल्ड स्पैट. ओके, अनसीमली, वेरी गुड वर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव. अनसीमली मतलब इम्प्रॉपर, दैट इज नॉट प्रॉपर फॉर द सोसाइटी. इनडेकोरस, जो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अनसीमली. दिस इज अनसीमली बिहेवियर, इट मीन्स इट इज नॉट योर प्रॉपर बिहेवियर. यू कैन इवन यूज द वर्ड इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, आप इसे इन अप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज गार्नर. सो गार्नर बेसिकली वी से गैदर, कलेक्ट और एक्यूमुलेट, ठीक है. इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है एक्रू. जैसे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं गार्नर व्यूज, इसका मतलब व्यूज इकट्ठा करना. कलेक्ट व्यूज, एक्रू व्यूज, दैट इज कॉल्ड गार्नर. सो गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, एक्रू, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गार्नर. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मिलियज. सो मिलियज बेसिकली वी से बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम अ सिचुएशन, मतलब एक तरह से फायदा उठाना, किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड मिलियज. ओके, एंड हार्नेस, हार्नेस ऑल्सो वी कॉल टू द सेम थिंग, बट यहाँ पे ये नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस. हार्नेस का मतलब भी वही होता है, यूटिलाइज, मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को यूटिलाइज करना, उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाना, सो दैट इज कॉल्ड हार्नेस. गार्नर इज अ वर्ब. देखिए, ये वोकैब आपके क्विकली, इतने सारे वर्ड्स एक आर्टिकल में अगर आप सीखेंगे तो डेली बेसिस पे आप काफी सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं. बस इसको मेमोराइज करते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा, आपकी एक अच्छी कलेक्शन तैयार हो जाएगी वोकैब की. तो ये दो आर्टिकल के जो भी वोकैब्स थे वो हमने डिस्कस कर दिए हैं. नाउ वी हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल. देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हर दिन पूछा जाता है कि मैम कहां से करें, तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर्स एंड प्रीवियस पेपर्स. तो प्रीवियस पेपर्स में तो जो पुराने हैं वो मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स में आपको नए भी मिलेंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट इडियम इज एट द कोर ऑफ समथिंग. एट द कोर ऑफ समथिंग मीन्स जिस्ट ऑफ समथिंग. अभी मैंने कोई मीनिंग बताई थी ना जिस्ट की, तो जिस्ट का मतलब होता है एसेंस,
किसी भी चीज का जिस्ट, किसी भी चीज का एसेंस, सेंटर ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एट द कोर ऑफ, हार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का दिल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, देन वी हैव द वर्ड दैट इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट ऑफ. सो फॉल शॉर्ट ऑफ बेसिकली वी से फेल टू मीट एन एक्सपेक्टेशन. किसी भी एक्सपेक्टेशन पे जब आप खरा नहीं उतरते हैं दैट इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट ऑफ. ओके, सो फेल टू मीट एन एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट ऑफ. ओके, देन वी हैव अ वर्ड दैट फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब में पहले है रिलाई ऑन. एक्चुअली इट इज अ फ्रेजल प्रपोजिशन. अब देखिए, रिलाई ऑन के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, रेस्ट ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन. इन सबकी मीनिंग कॉमन है. रिलाई ऑन, रेस्ट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना. So depend on something that is called rely on, rest on, count on, hinge on. Do not rely on anyone else for your happiness. अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी. आपकी खुशी आपके हाथ में है. Okay? The next word we have is devoid of. Devoid of basically we say lack something. किसी भी चीज की कमी. Without something, lack something, that is called devoid of. Okay? So, देखिए, हमारे पास ऑलीबोर्ड पे बहुत सारे कोर्सेज है, बैंकिंग के, एसएससी के. अगर आपको कुछ भी परचेस करना ऑलीबोर्ड प्लेटफॉर्म पे, कोई भी कोर्सेज बैंकिंग, एसएससी का, आरबीआई का, तो आप डेफिनेटली यू कैन यूज माय कोड सबा टू गेट एडिशनल डिस्काउंट. एंड इफ यू वांट अपडेट्स ऑन ऑल द सेशंस, बहुत सारे फ्री सेशन, 9 बजे भी फ्री सेशन चलता हमारा जो कि सीजीएल को टारगेट करके है. ये सेशन तो सिर्फ वोकैब्स के हो गए, क्या कि डेली बेसिस पे द हिंदू आर्टिकल में जो भी वोकैब है, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज वर्ड्स. 9 बजे आपका कंप्लीट सेशन होता है सीजीएल का. आप ये 9 बजे वाला सेशन भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेंटेन योर प्रैक्टिस फॉर सीजीएल. ओके, एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर सेशन के अपडेट और पीडीएफ डेफिनेटली मिलते रहे. राइट, देखिए आर्टिकल क्या है उसको शॉर्ट में मैं समझाती हूँ. द राइट टू लिटिगेट ऑन लिमिटिंग द इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर. इसको शॉर्ट में एक कहानी की तरह मैं आपको आर्टिकल बता रही हूँ ताकि आपको आर्टिकल समझ में आ जाए और उसके बाद आप उसको चेक कर लें. तो एक एनवायरमेंटल लॉयर है, जैसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो एनवायरमेंट को सेव करने का काम करते हैं. ठीक है, ऋत्विक दत्ता और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लाइफ. इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लाइफ, दैट इज लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट. ठीक है, इनका काम होता था कि जो भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कार्बन यूज करती थी या जो कार्बन प्लांट्स होते थे उसके अगेंस्ट में ये एक्शन लेते थे ताकि ये एनवायरमेंट को सेव कर सके. ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऋत्विक दत्ता की. ठीक है, तो ये एनवायरमेंट को सेव करने का काम करते थे और जो भी कोल प्लांट्स होते थे उनके अगेंस्ट वो एक्शन लेते थे अगर वो अपने रूल्स को या सारे लॉस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करती थी. तो अब इन पर क्या किया है, सीबीआई ने ऋत्विक दत्ता के ऊपर केस फाइल कर दिया. क्यों? सीबीआई का ये ब्लेम है कि ऋत्विक दत्ता, इनके पास फॉरेन फंड है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जिसका वो यूज करके कोल प्लांट्स को बंद करवा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द केस ऑन ऋत्विक दत्ता जो कि सीबीआई ने इनके ऊपर केस फाइल किया है. अब देखिए, अगर आप ऋत्विक दत्ता की बात करेंगे तो ही वॉज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. वो नेचर को सेव करने का काम कर रहे थे और इंडिया खुद भी बहुत सारे इंटरनेशनल जो भी ट्रीटी वगैरह होते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, जैसे आईपीसीसी हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हैं. तो इंडिया खुद उन सारे ट्रीटी पे सेव की साइन की है कि वो एनवायरनमेंट को सेव करेगी. देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडिया हैज प्रोमिस्ड कि वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन में बन जाएगी. मतलब इंडिया में किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होगा. तो यही कहा जा रहा है कि जब इंडिया खुद सपोर्टर है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, तो ये जो ऋत्विक दत्ता के ऊपर केस है जो सीबीआई ने लगाया है, दैट केस इज शेमफुल. वो केस हटाना चाहिए, अदरवाइज वो ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हो जाएगा कि किसी के ऊपर भी आप केस लगा करके whether that person is doing good thing or bad thing, so this will be very very bad for democracy. ठीक है, तो ये आर्टिकल है, आराम से पढ़िएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, एनवायरमेंट बेस्ड आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है. एरर क्या है इस क्वेश्चन में, सेंटेंस में? ये सेंटेंस आपका उसी आर्टिकल से लिया हुआ सेंटेंस है. ओके, कि इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट, इसको एज अ होल ट्रीट किया जा रहा है कि जो भी वेस्टर्न नेशंस है, जो कि डेवलप्ड नेशंस है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है, ये पूरा एज अ होल, एज अ सिंगल ट्रीट किया जा रहा है. सो व्हाइल स्लोइंग इट्स फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, इट्स किसके लिए यूज हुआ है? ये पूरे वेस्टर्न नेशंस के लिए जो कि एज अ ग्रुप ट्रीट किया जा रहा है. तो जब ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर करेक्ट है.
वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूस टू बी रिलायंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट्स फॉलिंग शॉर्ट, ये भी सही है, सिंगुलर वर्ब हर जगह यूज हुआ है. बट यहाँ पर कौन अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा? ये वेस्टर्न नेशंस जो हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट है, ठीक है, जो डेवलप्ड वेस्ट है, वो उसने प्रॉमिस किया था कि वो जो है अपनी टेक्नोलॉजी और अपना जो भी फिनेंस है, फिनेंशियल टर्म्स पे वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे. लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट है वो अपना जो है प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई है. तो दिस इज सिंगुलर, सो हियर ऑल्सो वी नीड अ सिंगुलर प्रोनाउन, इट विल बी इट्स कमिटमेंट्स टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड फिनेंस. ओके, तो एरर लाइज इन सी पार्ट, यहाँ पे देर की जगह क्या हो जाएगा, इट्स. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, ठीक है. अब इस आर्टिकल का टोन क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो है एनवायरमेंट पर भी बेस्ड है, प्लस ऋत्विक दत्ता के ऊपर जो केस है उसको गवर्नमेंट ऑथर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो आर्टिकल का जो टोन है वो एक तरह से एनालिटिकल है. एनालिटिकल का मतलब जब प्रोज एंड कॉन सब कुछ डिस्कस किया हो, तो एनवायरमेंट का क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ह्यूमन बींग्स पर, अर्थ पर, उसकी बात की गई है, नेचर की, सो दैट इज एनालिटिकल. लेकिन जब सीबीआई केस की बात करें यहाँ पे ऋत्विक दत्ता के ऊपर, तो दैट इज क्रिटिकल. सो टोन बेसिकली ऑथर का क्या व्यू पॉइंट है इसको प्रेजेंट करने में, तो दैट इज एनालिटिकल क्रिटिकल. ओके, तो हर दिन हम आपको एक आर्टिकल का समरी बता देंगे, वोकैब हम दोनों आर्टिकल के डिस्कस करेंगे. सो प्लीज अटेंड दीज सेशंस रेगुलरली सो दैट आपको सारी चीजों का आइडिया मिल जाए. ओके, सो थैंक यू गाइज, आई एम एंडिंग दिस सेशन. आई होप दैट एवरी डे यू विल वॉच दिस सेशन, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. 15 मिनट में आपकी एक आर्टिकल कवर हो गई, सारे वोकैब्स कवर हो गए, तो शॉर्ट में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना होगा और आप एक कहानी की तरह से सारे आर्टिकल समझ लेंगे, राइट. सो थैंक यू गाइज, एंडिंग दिस.